नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सादात नगर पंचायत से निवर्तमान चेयरमैन एवं वर्तमान चेयरमैन पद के प्रत्याशी के पति हाजी चांद आलम ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके द्वारा चेयरमैन बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने 5 साल में क्षेत्र का जो चौमुखी विकास किया है, यह काम कोई नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से जनता ने मौका दिया तो वह क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे और ऐसा काम करके दिखाएंगे जिसे जनता को न सिर्फ लाभ हो बल्कि नौगावा सादात कस्बे का नाम पूरे प्रदेश में रोशन हो। हमारे जो मुद्दे पहले थे, अल्लाह ने चाहा वो मुद्दे अब के भी वही रह गए। हमारे पहले मुद्दे थे काम का, विकास का और अपनी बस्ती को चमन बनाने का। तो अल्लाह के रहमोक्रम से हमने दोनों काम करके दिखाया, हमने बस्ती को चमन भी बनाया और हमने अपनी बस्ती को चमकाया भी। लाइटें भी लगवाई, सड़कें बनवाई, पानी की टंकी बिछवाई, ट्यूबवेल का काम है वो भी चल लिया है। जो ट्यूबवेल की जगह थी उसमें ट्यूबवेल लगवा के पानी चलना बाकी है, पानी भी चलेगा अल्लाह ने चाहा तो। अब तो अगर जनता आपको चुनती है तो ऐसे कौन से काम हैं बाकी हैं जो 5 साल में नहीं पूरे नहीं हो पाए, जिनको आप सबसे पहले कराएंगे? हमें जनता से उम्मीद है, अल्लाह के रहमो करम से हमें जनता ने पहले भी इज्जत दी थी, पहले भी हमें जिताया था और जनता अब के भी हमें जिताएगी अल्लाह ने चाहा तो। किस तरह के काम कराएंगे अब आप, सबसे पहले किन काम होते हैं? आपके जो काम थोड़े बहुत बाकी रहेगा है वो भी काम कराएंगे और ज़्यादातर जो हम फोकस करेंगे आपके अल्लाह के रहमोक्रम से वो बिजली की जो लीडें हैं उन पे फोकस डालेंगे जबके सबसे ज़्यादा। और हम अल्लाह के रहमोक्रम से गरीबों का साथ तो भी देते हैं और गरीबों का साथ जब तक जिएंगे जब तक दे के आए बराबर देंगे। हम पहले भी चेयरमैन नहीं थे तो हमने गरीबों का साथ जब भी दिया है और अब चेयरमैन है अब भी गरीबों का साथ देंगे और जब तक सासों में सास से है हमारी, जब तक हम गरीबों का साथ सहयोग पूरा देते हुए आवेंगे, इंशाल्लाह देते रहेंगे बराबर। और हमने 32 फीटर रोड बनाया अपने वहाँ पे, उस पर 11 है कि लेन भी बिछेगी, ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे और खंभे भी लगाए जाएंगे। 32 फीटर रोड है, जिसे यकीन ना हो वो जाके देख ले, 32 फीटर रोड निकल गया पूरा। आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं करा, कई चेयरमैन रह चुके हैं हमसे पहले, आज तक किसी ने चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, वो भी ध्यान हमने दिया है। और अल्लाह ने चाहा जो आधा रोड रुका हुआ है, अगर अल्लाह ने हमारी सुन ली दोबारा और पब्लिक ने हमें विजेता बनाया तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा 32 फीट जो रोड पूरा बनने से रह गया वो भी पूरा बना के दिखाएंगे हम। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।